Assalamualaikum, विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझ्या माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या YouTube चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओ मध्ये विषय मराठी संयुक्त इयत्ता 7वी या पुस्तकातील एक पाठ वाचा समजून घ्या हे आपण या व्हिडिओ मध्ये आपण समजून घेणार आहोत. तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपनी अपनी मराठी की किताबें निकाल लेंगे, एक एक पेंसिल निकाल लेंगे, ताकि जब आपको ये पाठ समझाया जाए तो आप उसके शब्दार्थ और सवाल जवाब यानी प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में ये किताब में लिख लेंगे. तो चलिए फिर पान क्रमांक 21, पेज नंबर 21 निकाल लेंगे. तर पान क्रमांक 21 वर आपल्याला एक चित्र दिसत आहे. चित्रामध्ये शाळेतील काही मुले आहेत, ते आपापसात काही बोलत आहेत, काही विचार विमर्श करत आहेत आणि आणि शाळेची सुटी झालेली आहे. तर आपण बघू या पाठामध्ये ही मुले कशा संदर्भात विचार विमर्श करत आहेत ते आपण बघणार आहोत. तो बच्चों, एक छोटा सा पाठ है जो हमें एक सीख देने वाला है, और क्या सीख देने वाला है वो हम पाठ के आखिरी में देखेंगे, इसीलिए पूरा पाठ आप ध्यान से समझिए. तो इस पाठ में कुल 5 कैरेक्टर है, 5 पात्र है. एक जॉर्डन, दूसरा निखिल, तीसरी नफीसा, चौथी अंजलि और पांचवा है अनवर. तो 5 कैरेक्टर है, इन 5 कैरेक्टरों से हमें ये पाठ समझाया गया है. तो हम शुरुआत करते हैं अपने पाठ की. वाचा समझुन गया, पढ़ो और समझ लो. जॉर्डन, जॉर्डन कहता है, क्या कहता है? अरे उद्या सर्वांनी माझ्यासाठी थोड़ा वेळ काढा, मी तुम्हाला पाणीपुरी, ओली भेळ, रगडापुरी, पॅटीस खायला घेऊन जाणार आहे. तो जॉर्डन अपने दोस्तों को कहता है, अरे उद्या, उद्या मतलब आने वाला कल, कि आप कल, आप लोग सभी कल मेरे लिए थोड़ा समय निकालिए, मैं आप सभी को पानीपुरी, ओली भेड़, रगड़ापुरी, पैटीस खाने के लिए ले जाने वाला हूँ. मतलब जॉर्डन अपनी तरफ से पार्टी दे रहा है. नफीसा बोलते, काय बोलते नफीसा? कारे उद्या का ही विशेष, कारे उद्या का ही विशेष, अरे कल कुछ खास है क्या? अंजलि बोलते, अग उद्या त्याचा वाढदिवस आहे, अग उद्या त्याचा वाढदिवस आहे. वाढदिवस म्हणजे बर्थडे. की अंजलि नफीसा को कहती है, ए नफीसा कल उसका मतलब जॉर्डन का बर्थडे है, वाढदिवस है. अनवर कहता है, अब अनवर क्या कहता है देखिए, असं काय करताय, बाईंनी परवा सांगितलेलं आठवत नाही का? असं बाहेरचं उघड्यावरचं अन्न खायचं नाही. अब अनवर सभी दोस्तों को समझा रहा है, अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? बाईंनी, बाई मतलब टीचर, तो टीचर ने परवा मतलब परसों हमें कुछ समझाया था, वो तुम भूल गए क्या? असं बाहेरचं उघड्यावरचं अन्न खायचं नाही, ऐसा बाहर का कोई भी अनाज, खुले में का अनाज खाना नहीं. अंजलि कहती है, हो हो त्यामुळे आरोग्याच्या तक्रारी सुरू होतात. अंजलि कहती, हाँ उसे खाने, बाहर की चीज खाने से आरोग्याच्या तक्रारी मतलब हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे पेट दुखना, बीमारियां हो जाती है. नफीसा कहती, अब नफीसा बता रही है कौन कौन सी बीमारियां होती है, पोट दुखी होते, छाती जड़जड़ होते, आपल्या शरीरातील जीवनसत्व क्षार व इतर आवश्यक घटक मिळत नाही. अब नफीसा समझा रही है कि पोट दुखी होते, हाँ बाहर का खाने से पेट दुखने लगता है, छाती जड़जड़ होतो सीने में जलन शुरू हो जाती है, आपल्या शरीराला जीवनसत्व क्षार व इतर आवश्यक घटक मिळत नाही. तो हमारे बॉडी को जो जीवनसत्व है यानी विटामिन्स, क्षार और अन्य आवश्यक चीजें, वो हमें, हमारे बॉडी को नहीं मिलती. त्याच्या कमतरतेनं अनेक छोट्या मोठ्या रोगांना आमंत्रण दिल्यासारखं होतं, और उसे खाने से, बाहर की चीजें खाने से ये छोटी मोटी बीमारियां को हम दावत देते हैं, उससे बीमारी हमें लग जाती है. नकोचते असलो बाहेरचं खाना, और ऐसा बाहर का खाना नहीं चाहिए. निखिल कहता है, त्यापेक्षा आपण असं करू,
प्रत्येकानं जॉर्डनच्या आवडीचा एक पदार्थ घरून बनवून आणायचा आणि सगळ्यांनी मिळून वाढदिवस साजरा करायचा. अब निखिल सबको ॲडवाईस कर रहा है, सबको सलाह दे रहा है कि अब एक काम करेंगे हम लोग कि हम अपने अपने घर से जॉर्डन को पसंद वाली चीज़ जो जॉर्डन को पसंद है वो चीज़ हम अपने अपने घर से बना के लेके आएंगे और सब मिलकर जॉर्डन का बर्थडे यानी वार दिवस सेलिब्रेट करेंगे, साजरा करेंगे. जॉर्डन कहता है ठीक आहे माझी आई खूप छान केक बनवते. जॉर्डन कहता है ठीक है माझी आई मेरी माँ बहुत अच्छा केक बनाती है, बहुत शानदार केक बनाती है. मी तुमच्यासाठी उद्या केक घेऊन येतो, मैं आपके लिए कल केक लेके आता हूँ. अंजलि कहती है जॉर्डन आम्ही तुझ्यासाठी काय आणणार हे तुला उद्याच कळेल. कि जॉर्डन अंजलि कहती है कि जॉर्डन हम तुम्हारे लिए क्या लाएंगे ये तुम्हें कल ही पता चलेगा. तो इस तरह से ये हमारा पाठ समाप्त होता है. तो बच्चों इस पाठ से हमने क्या सीखे कि इस पाठ के माध्यम से हमने सीखे कि बाहर की कोई भी चीज़ें जंक फूड जिसे कहते हैं वो जंक फूड नहीं खाना चाहिए, उससे हमें कई बीमारियां हो जाती है जैसे पेट का दुखना, छाती में जलना और कई किस्म की बीमारियां होती है. उसके अलावा हमारे बॉडी को जो आवश्यक जीवन सत्व है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो सब नहीं मिलता. तो घर में बनाया हुआ खाना ही हमें खाना चाहिए. चलिए अब इस पाठ के ऊपर देखते हम प्रश्न उत्तर. खालील विधाने चूक की बरोबर ते रिकाम्या चौकटीत लिहा. तर काही काही विधाने दिलेली आहेत, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो सही है या गलत. जो वाक्य सही है तो उसके आगे सही का निशान दीजिए, बरोबर का निशान दीजिए, और जो वाक्य चूक है, गलत है, उसके आगे चूक का निशान दीजिए, रॉन्ग का निशान दीजिए. तो हम देखते हैं जंक फूड खाने अयोग्यस्ते. हाँ, जंक फूड खाने अयोग्यस्ते, जंक फूड खाना सही नहीं है. बरोबर, जंक फूड नहीं खाना चाहिए. तो वाक्य बरोबर आहे, टिक कर लीजिए, सही का टिक कर लीजिए. आपल्या शरीराला पोषक घटकांची गरज नसते. हमारे शरीर को पोषक घटकों की आवश्यकता नहीं होती. नहीं, हमारे शरीर को आवश्यक घटकों की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए यह वाक्य गलत है. तो चूक का निशान देंगे. ई, पोषक घटकांच्या कमतरतेमुळे रोगांना आमंत्रण मिळते. हाँ, कि पोषक घटक अगर हमें नहीं मिले तो हमें कई किस्म के रोग होते हैं. बरोबर. ई, बाहेरचे उघड्यावरचे पदार्थ व जंक फूड खाण्याने आरोग्याच्या तक्रारी शुरू होतात. हाँ, कि बाहर का खुले का खाने से आरोग्य की तक्रारी यानी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. बराबर, म्हणजे बरोबर. तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा पाठ, सीख देने वाला पाठ समाप्त होता है. बच्चों आप लोग स्वाच्य अक्षरों में इसका प्रश्नोत्तर यानी चूक की वहाँ बरोबर लिख लेंगे. आपको वीडियो समझ आया है ऐसी अपेक्षा करता हूँ और वीडियो समाप्त करता हूँ.